नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, नेपाल बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह है, जिसे आप वादियों से लेकर भीड़ भाड़ वाली जगह तक महसूस कर सकते हैं। नेपाल खास तौर से मंदिरों के लिए जाना जाता है और यहाँ के बौद्ध सपूतों तो दुनिया भर में मशहूर है। नेपाल जिससे हमारे देश की ऐसी हमजोली है कि हम वहाँ बिना किसी वीजा पासपोर्ट के चक्कर मार आते हैं। नेपाल जिसकी संस्कृति और आबोहवा ऐसी है कि हम उससे बेटी और रोटी का रिश्ता रखते आए हैं और इससे आगे भी जारी रखना चाहेंगे। नेपाल जहां हम बचपन में बाबूजी के जाने पर चाइनीज खिलौनों की प्रतीक्षा किया करते थे, जहां भारतीय रुपयों का मान आज भी लगभग डेढ़ गुना बढ़ जाता है, जिससे हाल तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त था। नेपाल दुनिया के उन देशों में से है जहाँ वैश्वीकरण या आधुनिकता ने संस्कृति को प्रभावित नहीं किया है। नेपाल एक बहुसांस्कृतिक देश है। इसका धर्म, व्यापक प्रकृति और इसके विशाल पहाड़ों ने दुनिया की खूबसूरती में बड़ा योगदान दिया है। कपड़े, गहने, सहायक उपकरण और स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए थमेल क्षेत्र नेपाल के पर्यटन स्थलों में सबसे अच्छा है। विभिन्न प्रकार की दिलचस्प वस्तुओं को ब्राउज करते हुए स्ट्रीट शॉपिंग का आनंद लिया जा सकता है। अगर आप नेपाल जा रहे हैं और खरीदारी के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो ये जगह मूलतः पर्यटकों की वजह से ही चलती है। जब आप इस स्थान पर जाएंगे तो आप निश्चित रूप से अपने आसपास बहुत सारे पर्यटकों को पा सकेंगे। इस स्थान पर बहुत सारी सकरी गलियां हैं और यहाँ विभिन्न दुकानें मौजूद हैं। लोग यहाँ फलों और सब्जियों से लेकर कपड़े और सामान तक हर तरह की चीजें बेचते हैं। अगर आप नेपाल में स्थानीय स्ट्रीट फूड का आनंद लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक आदर्श स्थान है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक चितवन राष्ट्रीय उद्यान में नेपाल का एक अलग पक्ष देखने को मिलता है, जो वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसे वन्य जीवों को देखने और जंगल सफारी के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है और नेपाल में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाती है। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो नेपाल देश में बनाया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। ये राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से देश के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और नेपाल के सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। दोस्तों, फेवा झील मूल रूप से नेपाल की एक बहुत ही लोकप्रिय मीठे पानी की झील है और नेपाल के सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ये झील मूलतः पोखरा शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये झील बांध और जलाशयों द्वारा नियंत्रित होती है और यही कारण है कि इस झील को अर्ध प्राकृतिक झील माना जाता है। इस झील की लोग अच्छे से देखभाल कर रहे हैं और यही वजह है कि ये इतनी खूबसूरत दिखती है। ये झील नेपाल देश की दूसरी सबसे बड़ी झील है और ये झील गंडकी प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। ये नेपाल में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली झील है और पूरे देश में पूरे साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये जानी जाती है। नेपाल अपने ऊंचे पहाड़ों और अपनी सांस्कृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नेपाल में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इस देश का गौरव है। इसके अलावा भी नेपाल में देखने के लिए बहुत कुछ है। पर्वतारोहण के साथ साथ रोमांच की तलाश करने वाले लोगों के लिए नेपाल एक पसंदीदा गंतव्य है। लेकिन क्या आपको नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में पता है? आइए जानते हैं नेपाल के पर्यटन स्थलों के बारे में, ताकि जब आप नेपाल जाएं तो कोई भी खास दार्शनिक स्थल आपसे छूटे नहीं। सबसे पहले नंबर पर है काठमांडू, नेपाल की राजधानी और पर्यटकों की प्रसिद्ध जगह, जहां आकर आप माउंट एवरेस्ट का अलौकिक नजारा देख पाएंगे। यहां आपको ट्रैकिंग से संबंधित आवश्यक वस्तुएं भी मिल जाएंगी। ये जगह सिर्फ रोमांचक कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक यात्रियों के लिए भी है, क्योंकि यहां हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ, बौद्धों का बौद्धनाथ व स्वयंभूनाथ भी है। यहां आकर आप नेपाल का पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन भी चख सकते हैं। दोस्तों, नंबर दो पर है पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के सबसे पुराने, सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के किनारे पर स्थित है। नेपाल के पूज्य देवता भगवान पशुपतिनाथ, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, को समर्पित इस मंदिर के करीब बागमती नदी बहती है। कट्टर हिंदू अनुयायी दिव्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक पर जाते हैं।
ये नेपाल में सबसे अधिक अनुशंसित पर्यटन स्थलों में से एक है। ये उन मंदिरों में से एक है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। नंबर 3, लुम्बिनी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। कपिलवस्ता क्षेत्र में स्थित शहर का शांतिपूर्ण माहौल ध्यान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बौद्ध वास्तुकला के अनुसार बने मंदिरों और स्मारकों की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का जन्म 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो मूल रूप से नेपाल के दक्षिणी भाग में है। बहुत सारे लोग केवल लुम्बिनी देखने के लिए नेपाल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए लुम्बिनी दुनिया भर में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। दोस्तों, नंबर 4, भक्तपुर। वास्तुकला व हिंदू मंदिर के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। आपको यहाँ बहुत से मंदिर दिखेंगे जो अपनी कला और वास्तुकला का प्रदर्शन करते दिखेंगे। भक्तपुर दरबार स्क्वायर आकर्षक मूर्तियाँ व कलात्मकता के विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ खरीदारों की भी बहुत भीड़ लगी रहती है। नेपाल की कुछ यादगार वस्तुएं, मिट्टी की बनी चीजें, कठपुतली, हस्तशिल्प आदि चीजों की दुकान पर ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे मधुमक्खी के छत्ते के पास मक्खियों की लगी रहती है। आपके लिए किसी एक वस्तु को चुनना दोस्तों बहुत कठिन होगा। नंबर 5, सागरमथ नेशनल पार्क। 1148 वर्ग किलोमीटर में फैली इस जगह पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, और इसके अलावा कई अन्य चोटियां जैसे लोहत्से, चो ओयू, थम सेरकू, नुप्स्य, अमाड़बलम वे पुरयू पोरो पहाड़ों के सुंदर नजारे के साथ ही साथ यहाँ बहुत से पेड़ पौधे और जीव जंतु का आवास भी है। स्नो लैपर्ड यहाँ का मुख्य आकर्षण है। प्राकृतिक वातावरण की पूरी छुट्टी आपको यहाँ आकर मिल जाएगी। ये स्थान मुख्य रूप से ट्रैकिंग के और अद्भुत नजारों के लिए पर्यटकों के बीच मशहूर है। नंबर 6, पोखरा। फेवा झील के पास बसा पोखरा नेपाल का सबसे चर्चित पर्यटक स्थल है। आप इस रमणीय झील के पास बैठकर घंटों बिता सकते हैं और आपको समय का आभास भी नहीं होगा। मन को भरपूर शांति और भुला ना पाने वाला नजारा आपको इसकी शांत लहरों में खोने पर मजबूर कर देगा। पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल अन्नपूर्णा सर्किट का द्वार के नाम से भी मशहूर है, और यहाँ आपको पैराग्लाइडिंग करने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। नंबर 7, बौद्धनाथ। काठमांडू से 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित बौद्धनाथ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और नेपाल में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। स्थानीय साथ ही तिब्बती यात्री ध्यान के लिए इस आध्यात्मिक स्थान पर आते हैं। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका भव्य सपूत है, जो दूर दूर से बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है। ये नेपाल का सबसे बड़ा गोलाकार सपूत है। बौद्धनाथ का खासा चैत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान बाहरी इलाके में है और इसमें एक विशाल मंडल है जो पूरे नेपाल में सबसे बड़े गोलाकार सपूतों में से एक बनाने के लिए माना जाता है। दोस्तों, नंबर 8, महेंद्र गुफा। महेंद्र गुफा पोखरा के उत्तर में स्थित है। सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक नेपाल है। इसमें एक अंधेरी और गुफानुमा गुफा है। गुफा की सुरमय संरचना इसे फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाती है। ये गुफा मूल रूप से पोखरा जिले के पास स्थित है और कास्की जिले में है। चूना पत्थर से निर्मित ये नेपाल में देखने के लिए सबसे लुभावनी जगहों में से एक है। इस प्रकार की गुफा प्रकृति में बहुत दुर्लभ है और यही कारण है कि ये पूरे वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस गुफा के अंदर भगवान शिव की एक मूर्ति भी है। दोस्तों, नंबर 9, नगरकोट। क्या आप हिमालय के नजारे का लुत्फ उठाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो एक अद्भुत जगह आपके लिए ही बनी है। यहाँ से आप हिमालय को समय दर समय बदलते देख सकते हैं। अपने होटल के कमरे की खिड़कियों से आप इससे आंखें चार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आज की मिली जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।